आप बताइए इंडिया की स्पेलिंग बोलिए। INDE। अब बताइए मैम कौन पढ़ाता है इनको, आप या आप? सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत में? क्या पढ़ाती हैं आप? क्या पढ़ाती हैं? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पांच क्लास कोई एक शिक्षक कैसे संभाल पाएगा? अब नहीं संभाल पाते, अब हम ही एक हैं और एक मैडम है उनसे। तो चलिए बताइए पढ़ के क्या लिखा हुआ है। ब्रदर का स्पेलिंग बोलो तो बाबू। BROTHER। अच्छा यहाँ पर कितनी कक्षाएं चलती हैं? यहाँ पांच कक्षाएं चलती हैं, 1 से 5 तक। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 2 हैं। तो कैसे चलेगा फिर? तो 2 में थोड़ा दिक्कत होता है, हम कहने से क्या होगा, सरकार ना देंगे। हम तो जैसे एक आपने कभी कहीं बोला कंप्लेन किया कि यहाँ पर तो टीचर कम है, बोले हैं टीचर तो कम है। उन लोग जो लोग इंस्पेक्शन में आते हैं उन लोग भी देखते ही हैं, 2 टीचर हैं और क्लास 5 है। ओनली 1 टीचर इन दिस स्कूल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई? 1 टीचर क्यों है यहाँ? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश मैम? हाँ, गवर्नमेंट इज पोस्टिंग देयर इज हेयर इज 2 टीचर, 2 टीचर्स, सो आई हैव देयर हेयर। मैम देयर इज समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज से इट करेक्ट, प्लीज से इट करेक्ट। हां से इट करेक्टली व्हाट यू आर सेइंग। हां जो गवर्नमेंट पोस्टेड 2 टीचर्स, सो दे हैव यहां 2 टीचर्स। यहां पर एक और शिकायत मिली थी कि यहां पर दारू भी पिया जाता है, हम आपको उस स्थान भी दिखा सब होता है यहाँ पर, शादी विवाह का टेंट ऊपर में, ये स्कूल है कि बैंकेट हॉल है, चलते रहता है, फिर भी बगल में आकर बच्चे ताश, पूरा कार चलता है, उसके बाद हाँ मना करने से कोई भी मानेगा नहीं, उसके बाद जबरदस्ती चाबी दीजिए। ऊपर में दारू पिया जाएगा, नीचे बच्चे पढ़ेंगे? पब्लिक से ही पूछ लीजिए यहाँ का, 8 बजे से दारू पीता है, 10-11 बजे रात तक, बताइए आ जाके ऊपर देखिए सारा बरामदा सब शिखर खा के गहले रहा, हम लोग एकदम परेशान हो गए। अच्छा महात्मा गांधी कौन थे हम लोग के, कोई जानता है? महात्मा गांधी का नाम किसी ने सुना है? कोई नाम भी नहीं सुना है, कोई नाम भी नहीं सुना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम सुना होगा कि तुम लोग नहीं जानते हो? महात्मा गांधी गांधी जी है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जनाब उनका 14 अक्टूबर। आपसे पूछा जाएगा मैम, आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए कब? 1969 में जन्म, मरने के बाद जन्म हुआ था? नहीं, देता ही है। उस पर भी कभी जनगणना का ड्यूटी, टीचर भी तो कम हो जाते हैं ना, तो एक टीचर, टीचर कम होना अलग बात है लेकिन शिक्षा देना भी अलग बात। घर से पानी लाने जाते हैं? घर से पानी लाते हैं? नहीं उधर है, स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा प्यास लगता है तो कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल में चापाकल नहीं है? नमस्कार मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल है एक उसमें, और यहाँ पर हम हालत दिखाने आए हैं आपको। लगातार सरकारी स्कूल को लेकर बातें चलती है और शिक्षा को लेकर, क्योंकि विद्यालय शिक्षा से जाना जाता है, शिक्षा से ही भविष्य होने वाला है, होता है। तो हम आपको वही दिखाने आए हैं कि जो शिक्षा है उसकी क्या हालत है, और सरकारी स्कूल को लेकर आए दिन बातें होती रहती है, उस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अच्छा तार छोड़िए ना, तार छोड़िए। अच्छा सबसे पहले अभी क्लास चल रहा है ना, टीचर कहाँ है? टीचर मैडम अच्छा मैडम आप किस क्लास? अच्छा क्या अभी ग्रेजुएशन हम हाल में किए हैं 2020 में, 20 में ग्रेजुएशन किए हैं आप? यहाँ ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन नहीं मिला था तब तो हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। अच्छा हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो आप यहाँ क्लास में उपस्थित नहीं थी? नहीं थे, हम अगले क्लास में थे। अगले क्लास में थी। अच्छा यहाँ पर जितने लड़के हैं धीरे धीरे करके, अच्छा नाम आपका क्या हुआ? सुलेखा कुमारी। सुलेखा कुमारी, अच्छा आपको अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी आती है? लिख कर बताइए तो। और तरह तरह की बातें उठती है सरकारी स्कूल को लेकर कि हिंदुस्तान का जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल को लेकर वो किस तरीके का है, हम वैसे ही आपको दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि, अच्छा आपका पेन नहीं निकला अभी तक, लिखिए लिखिए।
अच्छा अंग्रेजी का क्लास चल रहा है ना, तो इंग्लिश में लिखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कोई कंप्लेन की में हाँ। हुआ है, हम यहाँ आए हैं, एक साल हुआ। एक साल में जो 12 महीने हुए, उस 12 महीने में आपने कभी कंप्लेन किया कि यहाँ पर बस एक शिक्षक है? यहाँ पर ये काम, ये जिम्मेवारी HM का होता है। नहीं तो आप संभाल लेती हैं पांचों क्लास एक साथ? नहीं, हम मैडम से बोले हुए हैं कि यहाँ पर दो। कौन मैडम से बोली? कौन मैडम से बोली? हम अपने प्रिंसिपल मैम से। चलिए पूछवाइए, आइए। आप बोली हुई थी ना, तब क्या दिक्कत है? आइए। अच्छा अच्छा, ये क्लास है या फिर प्रिंसिपल ऑफिस है? कंबाइंड है, प्रिंसिपल ऑफिस इधर एक क्लास भी। अच्छा, यहाँ पर कितनी कक्षाएं चलती हैं? यहाँ 5 कक्षाएं चलती हैं, 1 से 5 तक। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 2 हैं। तो कैसे चलेगा फिर? तो 2 में थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मैडम ने बोला कि हमने कंप्लेन किया हुआ है मैडम से, तो उन्होंने कंप्लेन किया था आपसे क्या? तो हम कहने से क्या होगा, सरकार ना देंगे? हम तो जैसे एक, आपने कभी कहीं बोला, कंप्लेन किया कि यहाँ पर तो टीचर कम है, बोले हैं टीचर तो कम है। उन लोग जो लोग इंस्पेक्शन में आते हैं, उन लोग भी देखते ही हैं, 2 टीचर हैं और क्लास 5 है। तो बोले ये हैं, लिख के भी उन लोग ले गए हैं। तो एक टीचर और थे जून से, जो KK पाठक सर आए हैं ना, तो डेप्टेशन उनका टूट गया और दूसरे स्कूल मिला के 3 टीचर थे, एक डेप्टेशन में थे और ये मैडम 1 साल से आई हैं और एक टीचर हम। अच्छा, अब बात करते हैं खाने की, ठीक है? मिड डे मील होगा ही? हाँ, मिड डे क्या मिलता है? अच्छा, बनाने वाला घर कहाँ पे, आप हमें दिखा सकती हैं? कहाँ बनाया जाता है? बगल में बनाया जाता है रूम। आइए देख लेते हैं वो भी। हाँ, इधर। अच्छा, दिन के हिसाब से आज एक किसी भी एक लड़का यहाँ पे है ना? अच्छा, उसमें से किसी, अच्छा बाबू, उनको आप आइए, तो आप आइए। तो अच्छा, आज आपको खाने में क्या क्या मिला था बताइए? आलू सोयाबीन और पुलाव। और सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी और पुलाव। और आज का रूटीन में क्या है? मंगलवार, जीरा चावल सोयाबीन आलू की सब्जी। चलो, अच्छा खाना कैसा लगता है? डर के बोला जा रहा है कि सही में अच्छा लगता है, खुश हैं? डेली रूटीन अच्छा, के हिसाब से खाना मिलता है आप लोग को? पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा, आप आइए इधर फिर से। किस क्लास में हैं आप? ये पूरा बटन एकदम खोल के, मैम बटन पूरा खुला हुआ था, इस पर भी ध्यान दिया कीजिए। अच्छा, आपका नाम? अभिराज कुमार। किस क्लास में? 3 क्लास में। अच्छा, आप बताइए, इंडिया की स्पेलिंग बोलिए। INDE। अब बताइए मैम, कौन पढ़ाता है इनको, आप या आप पढ़ाती हैं या आप पढ़ाती हैं? तो मिल के ये हुआ कि मैम, अच्छा आप बताइए ना कि जो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ये हालत क्यों है मैम, बताइए? अभी इंडिया की स्पेलिंग क्लास 3 में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं आ रही है। कौन सी का स्पेलिंग नहीं है? इंडिया नहीं आया तो बच्चा, तुम क्यों नहीं बता पाए रहे अभी से? इंडिया नहीं बता पाया, बोलिए तो गलत है ना। अच्छा आप बताइए, अच्छा आप बताइए मैम, गुस्सा तो नहीं देंगे ना? बच्चा को तो कुछ अपने भी करना चाहिए, हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। BEd है ना? हाँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? अभी हमको याद नहीं है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं याद है हमको। मैम आप बताइए मैम, प्रिंसिपल मैम को तो, प्रिंसिपल मैम को तो याद नहीं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, भूल गई होंगी, उम्र होगी। आप बताइए ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल? सर मुझे भी नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा सर। नहीं पता? नहीं सर। अच्छा अच्छा, याद नहीं है फिर। अच्छा, आपको इंडिया कभी किसी ने बताया था इंडिया कैसे लिखना है? अच्छा, आप अपने ना, आपका नाम क्या है? अभिराज। स्पेलिंग लिखी तो यहाँ पे अभिराज लिखिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लिखिए, यहीं पे कहीं लिखिए।
हिंदी में सुनो आप हिंदी में यहाँ पे लिखिए मध्य प्रदेश, लिखिए मध्य प्रदेश। बोलिए अब हिंदी भी लिखवा दिए, अब हिंदी भी नहीं आ रहा है, अब बताइए तो हम संस्कृत भी लिखवा देते हैं। नहीं नहीं संस्कृत के तुम नहीं लिख पा रहे, देखो ठीक से लिख रहे। अच्छा आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं बताइए सर, याद नहीं, डरिए मत बताइए क्यों नहीं याद नहीं आ रहा। आप अपने मन से बताइए, अच्छे से आप पढ़ाई यहाँ पे सही होती है? यही सही पढ़ाई है सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा आपके पापा का नाम? राजकुमार। उनका स्पेलिंग लिखिए, अपने पापा की स्पेलिंग लिखिए। चलिए यहाँ पर एक और शिकायत मिली थी कि यहाँ पर दारू भी पिया जाता है, हम आपको उस स्थान भी दिखा, सब होता है यहाँ पर, शादी विवाह का टेंट ऊपर में, ये स्कूल है कि बैंकेट हॉल चलते रहता है, फिर भी बगल में आकर बच्चे ताश है, यहाँ पूरा कार्य चलता है, उसके बाद हाँ माना करने से कोई भी मानेगा नहीं, उसके बाद जबरदस्ती चाबी दीजिए। ऊपर में दारू पिया जाएगा, नीचे बच्चे पढ़ेंगे? पब्लिक से ही पूछ लीजिए, यहाँ का 8 बजे से दारू पीता है, 10-11 बजे रात तक, बताइए आ जा के ऊपर देखिए सारा बरामदा सब शिखर खा के गेंहेल रहा है, हम लोग एकदम परेशान हो गए, हम तो इधर शिफ्ट हुए हैं, मैडम लोग तो पहले से हैं। अच्छा महात्मा गांधी कौन थे हम लोग के? अच्छा महात्मा गांधी कौन थे हम लोग के कोई जानता है? महात्मा गांधी का नाम किसी ने सुना है? कोई नाम भी नहीं सुना है, कोई नाम भी नहीं सुना है। महात्मा गांधी नाम सुना होगा कि तुम लोग नहीं जानते हो? महात्मा गांधी गांधी जी है। महात्मा गांधी गांधी जी है। अच्छा मैं बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जनाब उनका 14 अक्टूबर। आपसे पूछा जाएगा मैम, आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए कब? 1969 में जन्म, मरने के बाद जन्म हुआ था? नहीं 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 सॉरी नहीं 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 सॉरी अब 1947। अच्छा मैम बताइए इंदिरा गांधी कौन थी और उनकी मृत्यु कब हुई? इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी और 31 अक्टूबर कितना को हुआ था 1984 को उनकी। अब बताइए अच्छा आपसे और सवाल करते हैं, अच्छा आप बताइए, डरिए मत डर रही हैं सर, जो मोटिव है आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे मोटिव पर ध्यान दिए मैम, शिक्षा हम लोग विद्यालय में आए हैं और शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं और जो शिक्षक है उन पर भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि शिक्षक से ही शिक्षा मिलती है मैम। अच्छा मैम आप बीएड की हुई है ना, आपने अभी बोला कि आपने बीएड करा हुआ है, अच्छा तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे उसका आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? हल्का हल्का सवाल करेंगे, ठीक है? अच्छा डर रही हैं आप? नहीं नहीं डर नहीं रहे, इतना हम लोग को कुछ अभी याददाश्त ही हो जाता है ना हर समय चर्चा में। नहीं रुकिए मैम, रुकिए अच्छा मेन बात रुकिए, आपसे बात करेंगे। अच्छा मेन बात क्या है बताइए मेन बात क्या है कि बच्चे को बेंच दिलाइए उनको। अच्छा मैम जब यहाँ की स्कूल की टीचर ही को पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तो स्कूल में बेंच रह के क्या करेगा, पढ़ने वाला बच्चा तो जमीन पे भी बैठ के पढ़ लेगा ना मैम। ठीक है सर ये हम मानते हैं। अच्छा मैम से पहले प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। अच्छा आपने बीएड करा है मैम तो आपसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? अच्छा देयर इज ओनली वन टीचर इन दिस स्कूल, there is only one teacher in this school, yes, can you please explain why? दो एक टीचर क्यों है यहाँ? Can you please explain me in English, ma'am? हाँ government is posting there is here is two teacher, two teachers, so I have here ma'am there is some I can't understand what you are saying. Yes, government please say it correct, please say it correct. हाँ जो गवर्नमेंट पोस्टेड टू टीचर्स सो दे हैव यहाँ टू टीचर्स इसीलिए दो टीचर हैं यहाँ। यू आर शिवरिंग डू नॉट टेक टेंशन। ना टेंशन का बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है सर। वाई देर इज ओनली वन टीचर, वाई
व्हाई तो गवर्नमेंट ना देंगे यहाँ पर टीचर जो रिटायर प्लीज एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश हाँ रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट पहले बिफोर टीचर रिटायरमेंट माने टीचर रिटायरमेंट पहले जो टीचर थे बिफोर टीचर्स इसके पहले जो टीचर थे वो रिटायरमेंट के बाद टीचर आफ्टर टीचर न्यू टीचर अपॉइंटमेंट हेयर सो दैट यहाँ पर इसीलिए आई एम सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग अच्छा ये किसका बुक है बच्चे का है अच्छा स्थिति तो हम मैम देख ही चुके हैं कि क्या है और आगे चलकर हम और जानेंगे कि अच्छा ये बिहार का नक्शा है ठीक है बिहार की राजधानी अच्छा आप आइए सबसे पहले आप आइए 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 अच्छा यहीं पे से पूछे ना बता देगी अच्छा सब है ना यहाँ पे अच्छा आप लोग बताइए पटना की स्पेलिंग कौन बताएगा आप फिर आप आ जाइए आप आइए पहले इधर आइए हाँ उधर आप आइए ना आप आइए इधर बार बार आप ही गियर में आ जा रहे हैं नहीं अच्छा पटना की स्पेलिंग आप बताएंगे चलिए आप बताइए हमें ब्रेन की स्पेलिंग इंग्लिश उतना नहीं आता है इंग्लिश नहीं आता है क्या आता है हिंदी आता है आइए हिंदी में आप उत्तर प्रदेश लिखिए चलिए आप खुद से उठे हम तो आपको उठाए नहीं है चलिए ये रहा कलम और यहाँ पर लिखिए उत्तर प्रदेश लिखिए लिखिए दिख रहा है लिखिए नहीं आता है मैम उत्तर प्रदेश लिखने नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश भी लिखने नहीं आ रहा है अच्छा हिंदी में नहीं लिख पा रहा है इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा है तो क्या संस्कृत में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे बताइए संस्कृत के लिए बोल नहीं रहे आपको आप नहीं लिख पा रहे तो इसकी कमजोरी है तुम लोग इतना भी ही है एकदम कमजोरी उनमें नहीं है मैम कमजोरी उनमें नहीं है कमजोरी आप लोगों में है आप मानिए या मत मानिए कमजोरी आप लोगों में है अब जड़ से कितना हम लोग ये करेंगे जितना होता है क्लास का बुक मान लीजिए कभी यू ड्यूटी ई ड्यूटी सब तो देता ही है उस पर भी कभी जनगणना का ड्यूटी टीचर भी तो कम हो जाते हैं ना तो एक टीचर तो टीचर कम होना अलग बात है लेकिन शिक्षा देना भी अलग बात है कितना अच्छा स्कूल में चापाकल भी है अच्छा आप लोग को प्यास लगता है तो आप लोग क्या करते हैं आप लोगों को प्यास लगता है तो आप लोग क्या करते हैं घर से पानी लाने जाते हैं घर से पानी लाते हैं तो? नहीं उधर है स्कूल से बाहर जाना पड़ता है अच्छा प्यास लगता है तो कहाँ जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है स्कूल में चापाकल नहीं है नहीं बाथरूम है अच्छा स्कूल में मैम स्कूल में एक भी चलिए हम मानते हैं शिक्षक का आपने एप्लीकेशन दिया हुआ शिक्षक चाहिए चापाकल नहीं है चापाकल तो शुरू से ही नहीं है क्यों नहीं है नहीं है तो जो यहाँ की पहले मैं तो प्रिंसिपल नहीं थी पहले जो प्रिंसिपल थी जल नल योजना का आता था तो पानी का भी ये टैप कल जो है सप्लाई का नल इसमें यहाँ चालू किया है उनको ही आता था तो वही से पानी नहीं तो अच्छा अच्छा होल नंबर क्या होता है आप बताइए ये तुम लोग हो इस स्कूल के बाहर जाओ अच्छा बताइए हम लोगों को आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अगर विद्यालय खुला है तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने भी चाहिए अगर शिक्षक एक हो पाँच हो दस हो शिक्षा एक ही मिलनी चाहिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर पढ़ाया जाएगा तो बड़े बड़े स्कूलों में महात्मा गांधी का जन्म 10 अक्टूबर पढ़ाया जाएगा शिक्षा वही रहता है अच्छा आपको जब होल नंबर नहीं याद है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे फिर बाद में आप लोग बोलिएगा कि मीडिया वाले आ जाते हैं इस न्यूज़ से और आकर हमें हमारा इंसल्ट करते हैं इंसल्ट की बात नहीं है मैम यहाँ पे इंसल्ट की बात नहीं यहाँ पर बच्चों की भविष्य की बात है आज उन्हें महात्मा गांधी का जन्म नहीं याद है आज उन्हें अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है आज उन्हें बिहार की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही है उसमें गलती किसकी है महात्मा गांधी कौन है ये भी नहीं पता है तो उन लोग को सुधार हुआ है सर आप बताइए महात्मा गांधी कौन थे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें किसने दी थी बताइए जब आप ही को नहीं पता है तो आप क्या पढ़ाएंगे किसी और को और यहाँ पर शिक्षा से आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कह रही हैं कि शिक्षा से सवाल नहीं करें क्यों ना करें शिक्षा से सवाल बताइए आप किस चीज़ से सवाल करें आप बताइए
अच्छा आप लोग थोड़ा सा स्कूल का बाथरूम दिखा दीजिए, कितना जर्जर स्थिति है। अच्छा बाथरूम है ना, हम आपको बाथरूम भी दिखाते हैं स्कूल का। ये बाथरूम है। अच्छा जब स्कूल में चापाकल नहीं है तो बाथरूम का पानी कहाँ से आता होगा? सप्लाई वाला कहाँ से? अच्छा आपके घर के बगल से पानी आता है यहाँ पर, है ना? चलिए ये भी बढ़िया ही है। अच्छा बाथरूम का जो पानी है वो कहाँ से आता है? बाथरूम का पानी यही से, ही नल जो पानी गिरता है ना यही से ड्राम में। किसी को इमरजेंसी लग जाएगा तो पहले वहाँ से भर के लाएगा पानी, फिर करेगा? नहीं, ढोल में रखा जाता है। एक ऐसे भी बाथरूम बच्चे लोग जाते हैं तो एक ड्राम में रख देता है पानी, बाथरूम टॉयलेट कर करके सब पानी देता। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि बच्चों ने दी थी। अरे अच्छा इधर कर लेते हैं आप लोग बगल में। अच्छा ठीक है चलिए। हम लोगों को मैम देखिए आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग को जो व्यवस्था है उससे हम लोग को सुधारना है, ठीक है? उसको सुधारना है, बच्चों का जो भविष्य है। कोई बच्चे अगर इसमें से नहीं पढ़ेंगे उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, और अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? लूटपाट करेंगे, हत्या करेंगे, चरित्र खराब हो जाएगा, तो वो खराबी रास्ता पकड़ेंगे। वो अगर लाइन में नहीं आएंगे कोई चीज़ का, पढ़ लिख कर अगर आदमी मनुष्य के नाते वो कुछ बड़ा नहीं बन पाए तो वो उसमें भागीदारी नहीं ले पाएगा ना। अच्छा कुछ आपको शिकायत है सरकार से तो आप बोल सकती हैं बेशक, खुले दिल खोल के। शिकायत क्या है, जब से यही है टीचर की कमी है, टीचर बहुत टीचर की कमी है, पानी की कमी है, क्लास में माने जितने क्लास हैं उस हिसाब से टीचर नहीं है, तो टीचर कवर नहीं कर पाते हैं कभी कोई छुट्टी में। और इन लोगों हम लोग टीचर में से भी जो कमी टीचर है उसमें भी कुछ, कभी जनगणना के काम में, कभी बीओलो के काम में, आधे टीचर को तो इस उधर उधर चिपका दिया जाता है, तो इससे प्रभावित होते हैं ना बहुत तरह का काम, महीना महीना भर तो ये काम में लगा के वो काम में लगा के, इससे आप समझ ही सकते हैं जो कितना प्रभावित होता है। तो ये सब दिक्कतदारी है, काफ़ी दिक्कतदारी है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्थिति है बिहार के सरकारी स्कूलों की, जो कि स्कूल शिक्षा और विद्या में सबको से माना जाता है, और उसकी अगर ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि अगर भविष्य जो है जी उन भविष्य क्या बनेगा बच्चों का। और हमने आपको पूरी की पूरी जो खबर थी वो आपको हमने इस न्यूज़ में दिखा दी है कि क्या हालत है बिहार के स्कूलों का। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ धन्यवाद।